हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूँ कविता। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शहद या हनी के बारे में, जो एक साल तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए, और कारण और सिम्टम्स अगर दे देते हैं तो क्या हो सकता है वगैरह। पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। शहद को भारत में सिर्फ एक आहार के रूप में ही नहीं, पूजनीय वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये भगवान के पूजा में भी यूज़ होता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही दैविक है ये, और हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं छोटे बच्चों को भी इसे देने में, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका उपयोग है। हम सोचते हैं छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी होता है, बट अगर उन्हें ये दिया जाए तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग वो सफ़र करेंगे। तो सबको ये पता है कि शहद एक नेचुरल स्वीटनर है, तो बच्चों को शक्कर वगैरह जो केमिकल से भरित है उसे देने के बजाय हम ये दे दें। और शहद डेफिनेटली हेल्दी है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, और रेगुलरली हम भी अपने बहुत सारे आहार में इसका प्रयोग करते रहते हैं। बट पैस्चराइज्ड शहद हो या रॉ शहद हो या फिर बड़े ब्रांड वाला हो या कहीं छोटे दुकान से या जो घर में ही इसका मतलब बनाते हैं शहद उनसे लिया हो, या फिर किसी आहार के साथ मिक्स करके पकाया हो या उसे बेक करके बनाया हो, किसी भी रूप में बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। अभी मैं इन डिटेल बता रही हूँ कि क्यों नहीं देना चाहिए बच्चों को। शहद या हनी में ये स्पोर्स जो होते हैं इस बैक्टीरिया के, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम नामक एक बैक्टीरिया के स्पोर्स, मतलब वो छोटे सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई खुद कर जाते हैं। ओके, तो अभी ये पेट के अंदर जब बच्चे ने शहद खाया तो स्पोर्स पेट के अंदर जाके बैक्टीरिया बन जाता है, और ये बैक्टीरिया हार्मफुल टॉक्सिन्स मतलब विषकारक वस्तुओं को पेट के अंदर छोड़ते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन भी कहा जाता है, और इसके वजह से पैरालिसिस हो सकता है, मसल स्केलेटल पैरालिसिस जिसे कहा जाता है, और बहुत तरह के वीकनेस भी बच्चों में हो सकते हैं। और अमेरिका में 70% तक बच्चों को जो ये शहद खा चुके हैं उन्हें होता है, मतलब रिसर्च के अनुसार, और 2% फेटल रेट है, मतलब मर भी सकते हैं बच्चे, इतना परसेंट वहाँ पे दिखाया गया है। और भारत में 15% स्टडी के अनुसार रिसेंटली बताया गया है, पर ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक तरह से डायग्नोसिस नहीं होता, और बहुत सारे टाइम पे हम शहद देते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में, ओकेशंस में छोटे बच्चों को दिया जाता है, जिसके बारे में आगे जाके मैं बताऊँगी। अभी सिम्टम्स, अभी बच्चे को शहद देने से ये हुआ है ऐसे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले बच्चे को सिम्टम्स ये दिख सकता है कि बहुत वीक हो गए हैं। सडनली जो एक्टिव हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं, बहुत ही सुस्ती है उनमें, आँख पूरा नहीं खोल पा रहे हैं, और दूध ठीक तरह से नहीं पी रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मतलब पॉटी ठीक तरह से नहीं जा रहे हैं, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो चुका है, या फिर जो नेक ठीक तरह से होल्ड कर पाते थे सर को, अभी सर ठीक तरह से होल्ड नहीं हो पा रहा है उनके उनसे, और ये जो बाइलैटरल फेस वीकनेस हो सकता है, मतलब एक्सप्रेशन जब हंसे हम एक तरफ डिफरेंट और दूसरे तरफ डिफरेंट हो सकता है, और पैरालिसिस डाउन द बॉडी हो सकती है, सीजर या फिट्स हो सकते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको। और ये सिम्टम्स 6 घंटे से आपको, मतलब 12 घंटे से 36 आवर्स तक दिख सकता है, 12 to 36 आवर्स, कभी कभार एक हफ्ते के बाद भी ऐसे सिम्टम्स दिखे तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइएगा और बताइएगा उन्हें अगर आपने कभी शहद दिया है बच्चे को, तो क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी तो वो सोचेंगे कुछ और हो गया है और कुछ और
ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, सेप्सिस वगैरह दूसरे जो इलनेसेस हैं वो सिमिलर सिम्टम्स ही दिखाते हैं, तो डॉक्टर ने अगर गलत मेडिसिन दे दिया तो ऊपर से और मुश्किल हो जाएगा बच्चे को। तो प्लीज़ बताइएगा, अगर आपने शहद अगर बाय चांस किसी रूप में किसी खाने के साथ अगर किसी और ने बिना आपको बताए दे दिया है तो पूछ के डॉक्टर को बताएंगे तो ठीक तरह से ट्रीटमेंट हो पाएगा। अभी अस्पताल में कैसा ट्रीटमेंट होता है ये बता दूं मैं। सबसे पहले BIGIV वैक्सीन्स, मतलब बॉट्यूलिज्म इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावीनस एंटीटॉक्सिन, ये इंजेक्शन दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चे को, ताकि इमीडिएटली जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं वो कंट्रोल में आ जाए बच्चे को, और बच्चा रिकवर होके जल्दी घर भी आ सकता है। और घर आने के बाद भी आपको ठीक तरह से देखभाल करना है, उनको अच्छी तरह से खाना देना है, अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन हो ऐसी चेतावनी बरतनी है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो उनको ऐसे देखना है और मॉनिटर करते रहना है। और आखिरकार ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारी मतलब क्या पद्धतियाँ कहते हैं या फिर घरेलू उपाय वगैरह जो हम करते हैं उसमें शहद का रूप बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया में बच्चे को जब नाम रखते हैं हम, उस दिन शहद दिया जाता है बच्चे के मुंह में थोड़ा सा, और जब भी मतलब कहीं भगवान के पास ले गए जो तीर्थ कहते हैं हम, उसमें भी मिक्स किया होता है। तो लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है तो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। मैं ये बता दूँ ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, अभी डेवलप हो चुका है, बच्चे में उतना डेवलप नहीं हुआ है और उनकी इम्यूनिटी भी हमारी जैसी नहीं है, तो इसीलिए वो एक साल तक जब तक उनका ये सारा सिस्टम ठीक तरह से डेवलप ना हो हमें ये नहीं देना चाहिए। एक साल के बाद वो स्ट्रेंथन अप हो जाता है और देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती कोई कॉफ की रेमेडी है सर्दी जुकाम के लिए, आपके किसी दादी ने नानी ने कह दिया या बिना आपको बता दे कर दिया, तो प्लीज़ बच्चे के लिए आप फाइट कीजिए, बताइएगा उन्हें कि इतने सारे केसेस हो चुके हैं, पहले नहीं होता था अभी हो जाएगा क्या, ऐसे क्यों कह रही हो तुम, हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। तो अगर बड़े कोई लोग ऐसे कहते हैं तो आप उन्हें एजुकेट कीजिएगा। इन्फेंट डेथ रेट पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, आपको ये पता होगा कि हर घर में बात करते हैं, बहुत कॉमनली कहते थे कि हमारे 10 बच्चे थे अभी 6 बच्चे हैं, या फिर हमारे 6 बच्चे थे अभी 2-3 बच्चे हैं। तो इन्फेंट डेथ रेट बहुत कॉमन था उस टाइम पे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि किस लिए बच्चा मर गया। तो ऐसे बहुत से एंशियंट ट्रीटमेंट या मेथड्स या कस्टम्स थे जो आजकल हमें पता चल रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से हमें भी थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। और एजुकेट करेंगे उन्हें, बताएंगे कि बच्चे को हानिकारक हो सकता है तो सुनेंगे, अगर नहीं सुन रहे तो प्लीज़ फाइट फॉर इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे बताइएगा कमेंट करके नीचे, और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस भी हैं रिलेटेड बच्चे की देखभाल कैसे करनी है और क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, और बहुत सारे शिशु आहार की रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, मतलब जब बच्चा डिलीवरी के होने के बाद उसके नेवल के ऊपर टमी के ऊपर ये छोटा सा जो कॉर्ड क्लैंप किया जाता है उसकी देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो अगला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।